पुलिस स्मरण पे सारण रेंज के डीआईजी विकास कुमार एवं छपरा के एसपी गौरव मंगला के द्वारा सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और वहीं शहीद के परिजनों को सारण डीआईजी के द्वारा स्मृति चिन्ह एवं शॉल से सभी को सम्मानित किया गया। सारण डीआईजी विकास कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके बलिदानों को पुलिस विभाग कभी नहीं भूल पाएगा। इन शहीदों से सारे पुलिसकर्मियों को ये सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे ही सच्चे मार्ग पे चलते रहना चाहिए। इन शहीदों के प्रति पुलिस विभाग हमेशा आभारी रहेगा। छपरा एसपी गौरव मंगला ने भी अपने संबोधन में शहीदों को नमन करते हुए उनका आभार प्रकट किया। इस आयोजन के संचालन का भार डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने संभाला, जो कि काफी सफल रहा। शहीदों को याद करते हुए सभी ने शहीद स्मारक पे पुष्प अर्पित कर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर स्मृति परेड का भी आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई सार्जेंट शुभम कुमार एवं सार्जेंट अविनाश कुमार के द्वारा सफलतापूर्वक की गई। बताते चले कि पुलिस संस्मरण दिवस जो प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टोकरी पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमले में 10 बहादुर जवान अंतिम सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। उसके बाद 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। वहीं आज के इस आयोजन में पुलिस लाइन डीएसपी मनोज कुमार के सिंह, सार्जेंट दीपक कुमार, सार्जेंट राहुल उपाध्याय, सार्जेंट सृष्टि सुमन, सार्जेंट पूजा कुमारी, सार्जेंट रोशनी कुमारी, सार्जेंट नितेश राज, सार्जेंट ऋषि कुमार, सार्जेंट जुगनू कुमारी और सोशल मीडिया सेल प्रभारी पार्वती कुमारी एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव सहित सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। स्मरण दिवस के अवसर पर पुलिस के जितने भी शहीद पुलिसकर्मी या फिर पुलिस पदाधिकारी हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है और नमन किया गया है। उसी क्रम में सारण जिला में भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि और नमन की गई। बाकी पुलिसकर्मियों का आज के दिन क्या मैसेज होगा सर आपका? देखिए, कर्तव्य के वेदी पर सबसे बड़ा बदलाव प्राणों की आहुति होती है और जो पुलिस पदाधिकारी या कर्मी करते हैं उनके लिए पूरा विभाग सदैव उनका ऋणी रहता है और उनके मार्ग पर हमेशा चलने की कोशिश करता है। तो बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और पूरे सजगता से अपना कार्य किया जाए और पुलिस विभाग को अपना सर्वोत्तम धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।